हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम नेशनल इनकम का एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो। अब समझें यार, नेशनल इनकम जो होता है उसका कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर होगा। भाई रुपए में कैलकुलेशन है ना यार, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ नंबर। और जब किसी चीज़ को हम नंबर में मेजर करते हैं, नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन या तो स्टॉक वेरिएबल होगा या फिर फ्लो वेरिएबल होगा। यहाँ पे हम स्टॉक और फ्लो को डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, और इस वीडियो में हम स्टॉक एंड फ्लो को डिस्कस करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो को डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा पुराने वाले वीडियो का एक आधा क्वेश्चन डिस्कस कर लें, शायद कुछ मेमोराइज हो जाए। एनी मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म इज कैपिटल गुड्स, ट्रू और फॉल्स? एनी मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म इज कैपिटल गुड्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि मशीन फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल भी हो सकती है। एनी ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय ए फर्म इज कैपिटल, फॉल्स? ड्यूरेबल गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कैपिटल हो, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। एनी नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय ए फर्म इज इंटरमीडिएट, यस इट इज ट्रू, क्योंकि कैपिटल होने के लिए तो ड्यूरेबल होना कंपलसरी है। तो अगर कोई नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो कंफर्म कहाँ जाएगा? कंफर्म है, कहाँ जाएगा? इंटरमीडिएट में। चलिए, हमने पुराने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए लास्ट वाले टॉपिक पर, अब हम हमारा नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल का। देखिए, जब हम नंबर में कैलकुलेशन करते हैं 2, 5, 10, 20, 50, तो वो या तो स्टॉक होगा या फ्लो होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, सपोज यू आर हैविंग 500 इन योर पॉकेट, तो मैंने आपसे पूछा आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, आपने कहा 500 रुपया। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी कितनी है, तो आपने कहा सर मंथली 1000, मंथली इट मे बी 1000, मे बी 2000, वॉट एवर इट इज, बट आपने कहा मंथली 1000। जब मैंने आपसे पूछा आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपने कहा 500, आपने मंथली, वीकली, एनुअली, क्वार्टरली कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर पॉकेट मनी, तो यू यूज्ड द टर्म मंथली, या मंथली बोलोगे, वीकली बोलोगे, कुछ ऐसा बोलोगे। आप एक फैक्ट्री में गए, आपने फैक्ट्री को पूछा, बोले अरे भाई साहब आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो फैक्ट्री वाला आपको रिप्लाई करेगा सपोज साल के 5 लाख यूनिट्स, या महीने के 50,000 यूनिट्स, या वीक के 20,000 यूनिट्स, वट एवर इट मे बी। लेकिन वो जब आपको प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, नंबर बताएगा, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बताएगा, तो ऑब्वियसली विथ ए टाइम पीरियड बताएगा। अब समझो कुछ चीज़ें ठहरी हुई होती है, रुकी हुई होती है, उनका कैलकुलेशन उस ठहराव के साथ होता है, जहां वो रुकी हुई है वहां पर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। आपके पॉकेट में कितने पैसे अभी पड़े हैं ना, पॉकेट में हमने रख रखे हैं, स्टॉक है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कितने हैं, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज 500 सपोज, तो इट इज स्टॉक वेरिएबल। यानी जो चीज रुकी हुई है, ठहरी हुई है, उसका उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजरमेंट करते हैं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो इतना है, बाद में चेंज हो जाएगा तो अलग बात है, अभी तो इतना है, इट इज स्टॉक वेरिएबल। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और जब हमें उनका मेजरमेंट करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो उस बहती हुई चीज को, उस फ्लोइंग आइटम को हमें अलग अलग टाइम पीरियड में, ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे बिजनेस है, आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है, तो भैया सेल होता है, परचेज होता है, प्रॉफिट होता है, सेल परचेज प्रॉफिट, सेल परचेज प्रॉफिट, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना है, तो वो जो चलता है बिजनेस, गोइंग कंसर्न बिजनेस है, आपको उसे एनुअली या क्वार्टरली डिवाइड करना पड़ेगा, पीएनएल बनाना पड़ेगा कि भैया इस एक साल का हमारा प्रॉफिट इतना रहा, हमारी परफॉर्मेंस ये रही। यानी जब बिजनेस को आपको मेजर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो यू हैव टू डिवाइड इट इन टाइम पीरियड। सिमिलरली आपको अगर प्रोडक्शन देखना है, तो प्रोडक्शन रेगुलरली होता जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, मशीन पे बनेगा, फिनिश गुड्स बन के निकल जाएगा, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फ्लोइंग आइटम है। अब इस फ्लोइंग आइटम में अगर हमें मेजरमेंट करना, हमें एक्सप्रेशन करना है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम टाइम पीरियड का सहारा लेंगे कि एक महीने में इतना, एक वीक में इतना, एक दिन में इतना, या एक साल में इतना। लेकिन अगर मैं किसी फैक्ट्री में जाके पूछूं कि भैया गोडाउन में कितना माल है, माल मतलब गुड्स ना, हाँ गलत मत समझना, माल के दो गलत मतलब होते ही हैं, मतलब एक तो माल फूकने वाला, दूसरा आप समझते हो यार, समझदार बच्चे हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते, यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं। हमने फैक्ट्री में जाके पूछा कि भैया आपके गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा है,
उसने कहा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5000 यूनिट्स है, भाई थोड़ी देर बाद नई यूनिट्स आ सकती है, थोड़ी देर बाद सेल हो जाए तो पुरानी जा सकती है, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वापस एकदम क्लियर कर ले, जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसको बोलते हैं स्टॉक, जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए होता है तो उसको बोलते हैं फ्लो। पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक, टाइम पीरियड, फ्लो, 100% क्लियर है ये बात हमको। अब ये बात हमको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमसे हमारी पॉकेट मनी पूछेगा तो हम टाइम पीरियड के साथ बोलेंगे, अगर कोई हमसे पूछेगा जेब में कितने रुपए हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोलेंगे। हम कोई घर देखने के लिए गए, सपोज हमको परचेज करना, हमने पूछा ये घर कितने का है, उसने कहा 2 करोड़ रुपए का है। अभी अगर आप हाँ करते हो, खरीदना चाहते हो तो 2 करोड़ का है। आप कोई घर रेंट पर लेने गए, आपने वहां जाके पूछा कि भैया इस घर का रेंट कितना है, तो कहेगा 5000 पर मंथ, 50000 पर मंथ, वट एवर इट मे बी, बट वो टाइम पीरियड में होगा क्योंकि आप उस घर में रहोगे, पैसा दोगे, रहोगे, पैसा दोगे, वो ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। लेकिन घर खरीदना एक बार का भी, हाँ ना, हैंड टू हैंड, तो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिस चीज का एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा वो क्या है, स्टॉक। जिस चीज का एक्सप्रेशन टाइम पीरियड पे होगा वो क्या है, फ्लो। यानी स्टॉक विदाउट टाइम डायमेंशन होता है, फ्लो विद टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक स्टैटिक है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सप्रेशन होगा। फ्लो डायनामिक है, मूविंग है, उसका टाइम पीरियड में एक्सप्रेशन होगा। ये स्टॉक और फ्लो का डिविजन था। कुछ और एग्जाम्पल्स अपन एक लिस्ट के साथ क्लियर कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल का लिस्ट देखते हैं, फिर हम ये टॉपिक वीडियो खत्म करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है भारत की, तो स्टॉक होगा, फ्लो होगा, स्टॉक। भाई हम कहते हैं ना कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन थी, 2021 में इतनी पॉपुलेशन है, या 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी। तो जो पॉपुलेशन होता है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है जिससे उसको कैलकुलेट किया गया था। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फ्लो। भाई पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, पर ईयर 1% पॉपुलेशन बढ़ता है, या पर 10 ईयर्स में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना कम हो गया, वॉट एवर इट मे बी। तो जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये फ्लो है। लेकिन पॉपुलेशन का मेजरमेंट क्या है, स्टॉक। अगर कोई हमसे पूछे इनकम के बारे में, सैलरी, प्रॉफिट के बारे में, तो ये क्या है, फ्लो। इनकम इज फ्लो। आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी इज ए टाइप ऑफ इनकम ही ना। जॉब करके जो इनकम कमाई जाती है वो सैलरी होती है, बिजनेस करके जो इनकम कमाया जाता है वो प्रॉफिट होता है, किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट करके जो इनकम कमाया जाता है वो रेंट होता है। तो हम लोग यहाँ इनकम किया, हम सैलरी की बात कर रहे हैं बेसिकली। हम देख लें सैलरी क्या है, सैलरी फ्लो है, पर मंथ इतना या पर एनम इतने का पैकेज है। प्रॉफिट, एक महीने का इतना प्रॉफिट है, साल का इतना प्रॉफिट है, क्वार्टरली इतना प्रॉफिट, हम पेंडल बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, फ्लो। तो इनकम बेसिकली फ्लो है। सेविंग फ्लो या स्टॉक, देखो यहां दो टर्म्स है, सेविंग एंड सेविंग्स, दोनों को क्लियरली समझना। अगर सपोज मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है, आउट ऑफ दैट मैं 30,000 खर्च कर देता हूँ हर महीने का, रहने, खाना पीना, मतलब रेंट का, कपड़ों का, पेट्रोल का, सब मिला के मेरा एक्सपेंस कितना, 30,000। तो मैं सेविंग कितना करता हूँ, 20,000। दिस 20,000 इज सेविंग, पीछे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सेविंग। सेविंग कितना है, 20,000 पर मंथ। मैं सिर्फ 20,000 बोलूंगा तो सही नहीं है, आई मस्ट से 20,000 पर मंथ, क्योंकि हर महीने 20,000 बचा रहा हूं ना। इस महीने 20, अगले महीने वापस 20 होगा, अगले महीने वापस 20 होगा। तो सेविंग इज फ्लो। मान लो फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स मैं अपनी सेविंग कर रहा हूं, और करते 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 अब मेरे पास एक्यूमुलेटेड सेविंग कितनी हो चुकी है, 2 लाख की। अब अगर मुझे कोई पूछे कि वो 2 लाख क्या है, तो मैं कहूंगा सेविंग्स। वो 2 लाख क्या है, सेविंग्स। यानी सेविंग इज फ्लो, सेविंग्स इज स्टॉक। हम जो कमाते हैं उसमें से रेगुलरली जितना बचाते हैं, कमाते हैं, बचाते हैं, कमाते हैं, बचाते हैं, वो सेविंग है, फ्लो है। और जो एक्यूमुलेटेड सेविंग है, जो हमारे पास इकट्ठा किया हुआ पड़ा है, वो क्या, सेविंग्स है। कि भैया मेरे पास अभी 2 लाख रुपए का सेविंग्स पड़ा है, हो सकता है 10 महीने बाद मैं वापस अगर अपनी सेविंग्स देखूं तो मैं बोलूं मेरे पास 4 लाख का सेविंग्स पड़ा है, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इतना सेविंग्स पड़ा है। तो सेविंग्स स्टॉक, सेविंग फ्लो। वाटर इन ए टैंक, एक टैंक में अगर पानी है, एक बकेट में अगर पानी है, तो ये पानी क्या है, ये स्टॉक है। जो कोई पूछे कि इस बकेट में कितना पानी, इस टैंक में कितना पानी, तो मैं बोलूंगा सपोज 5 लीटर वाटर है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई निकाल ले तो कम हो जाएगा, कोई डाल दे तो बढ़ जाएगा, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना पानी है, 5 लीटर। अब सपोज करो ऊपर से अपने नल स्टार्ट किया, नल से पानी आने लगा, नल स्टार्ट किया, नल से पानी आने लगा। अभी जो नल से पानी आ रहा है बकेट में, ये जो पानी फ्लो हो रहा है बकेट में, इट इज फ्लो वेरिएबल। अगर कोई पूछे कितना पानी आ रहा है, तो मैं कहूंगा पर मिनट 1 लीटर,
या पर सेकंड इतना मिलीलीटर व्हाटएवर जो भी आ रहा है, तो जो पानी फ्लोइंग इन टैंक है, जो नल से पानी आ रहा है वो फ्लो वेरिएबल है, और जो बकेट में पानी पड़ा है वो स्टॉक वेरिएबल है। ये फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल्स हुए। एक छोटे से लिस्ट इस वीडियो के एंड में पूरी स्क्रीन पे आपके सामने चलेगी, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को फ्लो और स्टॉक में विथ रीजन डिवाइड करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं महादेव वाहेती आपका दोस्त। अगर सोशल मीडिया पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको। और ये हमारी बुक है, हमने बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंटेंट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सीबीएसई में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस स्टैंडर्ड को देखते हुए हमने इस बुक को डिज़ाइन किया। हमारे वीडियोज़ के साथ ये बुक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आग लगा दोगे, मार्क्स में आग लगा दोगे मतलब। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने आपको लिंक दे रखा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।